यार सब्सक्राइब करो ना ऑलराइट को। यार अखिल, अच्छा मुझे ना एक बात कहनी थी। मुझे भी करनी थी यार, साथ में करते हैं क्या? या ओके सो 3 2 1 2 अरे ओके 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 एक सेकंड 1 2 3 खाने में मसूर की दाल बनाओ या माँ की? तो मिले क्या? सबसे मुश्किल तो दिन होता है, रोशनी इतनी होती है कि अपना अकेलापन क्लियरली दिखाई देता है, फिर रात आती है अंधेरा, वो भी उतनी उदास क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, फिर दोबारा से दिन होता है और दिन तो उदास है ही ना क्योंकि रोशनी इतनी होती है कि अपना अकेलापन क्लियरली दिखाई देता है। तू 2 मिनट और रोया ना तो नेहा कक्कड़ की जगह ना तेरे को ले लेंगे इंडियन आइडल में। पुल योरसेल्फ टुगेदर यार, मैं भी तो रुका हूँ ना लॉकडाउन में, मैं रो रहा हूँ। हाँ ब्रो, क्योंकि तेरे पास वर्षा है और डेटिंग की दुनिया में ऐसा रिलेशनशिप होना ना पैंडेमिक की दुनिया में वैक्सीन होने जैसा है। मैं रो रहा हूँ क्या? फोन नहीं आई अपना? अभी तेरी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। Hey, nahi. How are you? No. Hey, what's up? Nahi. Hey, Akhil. Sirf aaye kyun? Apna aadhar bhi attach karte saath mein. Haan, to dikkat kya hai? Ek ladki kya pehla step nahi le sakti kabhi? Ek ladki ko na pehla kadam tabhi uthana chahiye jab wo sasural mein pehla kadam rakh rahi ho. Kalash gira ke. Dekh. ये डेटिंग वेटिंग से ना कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ अरेंज मैरिज बेस्ट है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स को तो ना इस पर एक सीरीज बनानी चाहिए। यार ये देख, 90% मैच है। एंड रीड दिस आंसर ऑफ हिज, वुड यू डेट अ गर्ल हु हैज अ गन इन अ हाउस? तो लिखता है डिपेंड्स, इफ द गर्ल इज फ्रॉम वसेपुर आई माइट एज वेल, बिकॉज मरना तो इधर ही है ना। बट स्मार्ट है यार, फिटी है। एंड Love Chinese, not the virus, the food of course. I hate Chinese food. Love chicken fried rice, but Baba Sehgal ka. वैसे तुम अपने सारे टेक्स्ट डॉट 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 से एंड करती हो, any specific reason? मुझे pauses पसंद हैं। हकलाती हो? हाँ, जब मिलेंगे ना तो सुबह की डेट शाम तक चलेगी। हाँ, बाबा सहगल का आलू पराठा वाला बेटर है, सही कह रहे हो। ओके सो आंसर दिस राइट, व्हाट वुड यू कॉल अ 80-year-old बुर्ज खलीफा? बुजुर्ग खलीफा। यार तुम हमेशा ऐसे लेम जोक्स मारते हो। मैं कहाँ, नहीं तो पागल हो गया। वैसे तुम राइटर हो, आई मीन इट्स सो अमेजिंग कि तुम राइटर हो और मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, फिर भी हमारा ओके क्यूपिड पे 90% मैच आ गया। नहीं ट्रू, लेकिन इसका मतलब हम दोनों को अभी काफी कुछ डिस्कवर करना बाकी है ना? डिस्कवर तो करना बाकी है, मजा आएगा। पर फ्रेंड्स के लिए इतना हेट्रेड क्यों? अरे हद है यार, 6 लोग दिन भर कॉफी पीते रहते हैं, आपस में ही कपल्स बनाते रहते हैं, क्या बकवास है ये। ओ प्लीज, फ्रेंड्स के कैरेक्टर्स कितने रिलेटेबल है पता है तुम्हें? हाँ तो रिलेटेबल चीजें देखनी होंगी तो 5 टाइप्स ऑफ मॉम नहीं देख लूंगा यूट्यूब पे मैं। तुमने लिखा है ना? हाँ तो एक सेकेंड, 4 बज गए हैं, आज तुम विशाल के साथ फीफा खेलने नहीं गए? मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, जाने का मन ही नहीं गया। Maybe the birds will...
trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. यार अखिल, अच्छा मुझे ना एक बात कहनी थी. अखिल, हेलो अखिल. हाँ, ऑफ कोर्स मिलते हैं, मतलब मिलते हैं ना, मिलना चाहिए, मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ठीक है फिर, कहाँ मिले? आई वाज थिंकिंग कहाँ मिले, क्या होता है, कहीं भी मिल लेंगे, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ आ जाऊँगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने में. हाँ विशाल बुला रहे क्या भाई? अच्छा भी वो विशाल बुला रहे, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ. अखिल एक सेकेंड. चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा जहाँ तुम बोलोगे. ओके बाय विशाल. हिराशी कुकर में से चने. लग गए यार, मंदी ने मिलने बुला लिया यार. ये तो गड़बड़ हुई. यार देख ऐसा नहीं है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ ऑनेस्टली, पर यार बाहर दुर्गा पूजा नहीं चल रही है ना, पैंडेमिक चल रहा है. करेक्ट, ऐसा रिस्क तो म्यूचुअल फंड वाले भी लेने से मना करेंगे भाई. मैंने उसे मिलने के लिए हाँ भी तो बोल दिया ना यार. करेक्ट, तूने हाँ भी तो बोल दिया. अबे तूने क्या करेक्ट करेक्ट लगा रखी है, तू मुझे सोल्यूशन दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है. देख मैं जानता हूँ इन जनरल तू फट्टू है, मान लेते ना, एक्सेप्ट कर लेते, क्या दिक्कत है उसमें. और अब जब हाँ बोली थी तो चला ही जाना फुल प्रिकॉशंस लेके, मिल ले उससे. फॉर ऑल यू नो शी इज द वन, राइट? वैसे भी क्या पता इस मीटिंग के बाद तेरे को मीटिंग से कभी भागना ही ना पड़े. और कर कश्मीर है तो मेरा. भाई वैसे आर्टिस्ट लोग ना होते बड़े रोमांटिक है. देख मेरे पास भी होना चाहिए, मैंने कहीं तो रख दिया. हाँ ये लो, सैनिटाइज भी हो गया. सो शैल वी? या इट्स नाइस ना? हाँ आई लाइक इट. या हाँ सही है, मतलब बस मास्क थोड़ा स्लिप कर रहा है. तो नो आई मीन ये वही घिसा पिटा कैसे नहीं है, इट्स सो ब्यूटीफुल. हाँ खाली भी लग रहा है काफी, तो लोग लग रहा है घर पे ही होंगे ज्यादातर ना. अखिल कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं यार, मतलब कल फोन पे भी तुम अचानक से चले गए थे, कुछ है तो बता दो. नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, मिलना है मेरे को, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तुम मुझसे मिलना तो चाहते थे ना? हाँ मिलना क्यों नहीं था यार, बिल्कुल मिलना था, मतलब मेरा तो फेवरेट बिस्कुट भी मिलाना है यार. अखिल जब भी तुम लेम जोक्स मारते हो मतलब तुम नर्वस हो. नहीं यार यार I have invested 4 months in this, so can you please be clear with me, क्या प्रॉब्लम है? ओके I don't think हमें अभी मिलना चाहिए था. What? Just hear me out, okay? See, तो तुमने हाँ क्यों बोला? यार listen, मैं ना अगले महीने 27 साल को आने वाला. तो क्या तुम्हारा बर्थडे मनाऊँ आज? नहीं यार मेरी बात सुन लो बस एक बार, calm down. मैं कह रहा हूँ मैं ना 27 साल को आने वाला हूँ अगले महीने, लेकिन जो ये dating का ये वाला phase है ना, मेरी बहुत फटती है यार इससे. ये जो मिलना और ये सब, ये तुम विशाल से पूछ लो यार, मैं ऐसे ही हूँ यार. मैं ना कंपनी क्रेव करता रहता हूँ, जब मुझे वो कंपनी मिलती है ना तब फट जाती है यार बिल्कुल ही. मुझे पता है बहुत स्टूपिड है और बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा होगा, लेकिन यार आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नो अखिल आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू सेइंग दिस, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था. अरे यार तुमने पूछा मैंने हाँ बोल दी फिर. निकिता यार निकिता सुन तो लो यार, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता सेफ्टी के चलते, तो मतलब जो बोलना है ना जल्दी बोलो, और 4 महीने नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए. यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, एक बार खड़े होके सुन लो ना यार. बोलो. That's the point I'm trying to make. In spite of being this way, आज जो मिले है ना अच्छा लग रहा है यार. And not just today, the last 4 months of this lockdown, जो हमने निकाला है खाते पीते, चाइना की बिचिंग करते, अपने रूममेट्स को गाली देते देते, सही था यार वो.
तुम खुद ही सोचो ना यार, जो टाइम दुनिया के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था वो मेरे लिए नॉट सो डिफिकल्ट बन गया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू यार। निकिता कुछ बोल दो, वो एक्चुअली दिमाग में ना 10 घंटे जो खा चुके हैं ऑलरेडी। हंस तो दिए हो तुम तो पता है ना तुम्हें क्या बोलते लोग हंसने के बारे में। चलो सुना है ना तुमने हंसने के बारे में क्या बोला। I always thought कि जब मैं किसी को पसंद करूंगी तो that person should be the one. In fact, the sole purpose of looking for someone on OkCupid was to find something which is mature. And somehow during the past few months, I started getting sure about you. इसीलिए तो इस हिसाब से तुम मोनिका हुई और मैं चैंडलर, राइट? तुमने फ्रेंड्स देखा? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने गूगल कर लिया था। मतलब मास्क हटा लिया मतलब मार रही हो, थोड़ा डिस्टेंस रख लो ना भाई। अच्छा तो फिर सैनिटाइजर यूज करके मास्क। अरे भाई एक सेकंड, सैनिटाइजर यूज करना है तो मेरे पास बेटर आइडिया है। वेट तुम कर। कर लिया? अच्छे से करना, कर लिया ना? रखो बैग में रखो। अब नहीं है कोरोना। कर लिया ना सैनिटाइज? तो फ्रेंड्स भी देख लेते वो, दैट इज मोर हार्मफुल देन कोविड नो। तो ऑफिस देख लेते। ऑफिस तो देखा है, रीवॉच कर रहा हूँ तीसरी बार। अरे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, कहानी खत्म नहीं हुई अभी। और क्या, अब इतना इंटरनेट खर्च कर ही दिया है तो लाइक और शेयर भी कर दो। हाँ सब्सक्राइब के भी पैसे तो लग नहीं रहे हैं तो वो भी कर दो। और एक सेकंड, तुम लोग विरुष्का के पोस्ट पे कमेंट कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हो? एंड इफ यू टू वांट समवन लाइक अखिल और निकिता इन योर लाइफ देन गो डाउनलोड OkCupid राइट नाउ। अभी क्या, अभी डाउनलोड करो। और सुनो घर से निकलो ना तो मास्क ऐसे पहन के निकलने का, ठीक है? हाँ, और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। ओके एडियोस। हमने चाओ डिसाइड किया था वैसे, क्या इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते क्या? मतलब कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ तो है ना, कर सकते हैं। आदियो आदियो, बी सेफ, बी ऑलराइट।